नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जुलाई गुरुवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। सिरोही जिले के आबूरोड थाना क्षेत्र के खारा गांव में कुल्हाड़ी से युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद में लाठी व कुल्हाड़ी से पिता पुत्र द्वारा एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान केसाराम के रूप में हुई है। खारा गांव तालाबफली निवासी सकुराराम और भग्गाराम ने वारदात को अंजाम दिया है। दोनों पिता पुत्र घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस मृतक के भाई की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को गोंडा निवासी की अपील पर केस दर्ज करने को कहा था। इस व्यक्ति ने कहा था कि दंगों के दौरान उसकी आंखों में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश का विरोध किया था। इस मामले पर हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसा दिख रहा है कि पुलिस ने अलग एफआईआर में आरोपियों के बचने के लिए रास्ता बनाया और दुख की बात है कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच के दौरान संवैधानिक कर्तव्य निभाने में फेल हो गए। बता दें कि सीएए के विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर पूर्व दिल्ली में पिछले साल 24 फरवरी में दंगे भड़के थे। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 751 एफआईआर दर्ज की है। नागौर जिले के मुंडवा थाने के कडलू गांव में खेत में सिंचाई के दौरान करंट लगने से दादी पोते की मौत हो गई। हादसे के समय पोता ओमाराम खेत में सिंचाई का काम कर रहा था और इसी दौरान पानी में करंट फैलने से वो करंट की चपेट में आ गया और तड़पने लगा। उसकी हालत देखकर 75 साल की दादी मारी देवी उसे बचाने को दौड़ी और वो भी करंट की चपेट में आ गए। जब तक आसपास के लोगों को पता चला और बिजली सप्लाई काटी गई और उन्हें मुंडवा स्थित राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद नागौर स्थित जेएलएन हॉस्पिटल रेफर किया गया। नागौर पहुँचते दोनों दादी पोते की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मृतका 7 माह की गर्भवती थी। पियर पक्ष को उसकी मौत की सूचना मिली। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजन सकते में आ गए। उन्होंने थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल के लोगों ने 6 महीने पहले छोटी बहन को उसके पति से तलाक दिला दिया था। फिलहाल अतिमन का गोविंदगढ़ सीएचसी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि कस्बे के पास बैसडावत गांव में अतिमन और उसकी छोटी बहन सुवीना की शादी 2016 में एक ही परिवार में हुई थी। तभी से ससुराल वाले दहेज के लिए तंग परेशान कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के सावा थाना क्षेत्र के गांव पाटनिया के पास खेतों में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों महिलाओं का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल जिला अस्पताल पहुँचे। कलेक्टर ने अस्पताल को समुचित उपचार करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की वकील कॉलोनी में बहते नाले में गिरने से मासूम की मौत होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार मासूम नाले में गिर गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अजमेर जिले के आदर्श नगर थाना पुलिस द्वारा देह व्यापार के मामले में दोनों युवतियों की निशानदेही पर होटल के मैनेजर पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। इसके अलावा गिरफ्तार व्यक्तियों से होटल की तस्दीक करवाई है। बता दें कि आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने होटल रिसोर्ट में देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए कार्रवाई की थी जिसके बाद पुलिस ने होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में आसमानी बिजली गिरने से देवातड़ा गांव की बालिका की मौत होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बारिश के दौरान आसमान से बिजली गिर गई। बिजली गिरने से बालिका की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को भोपालगढ़ के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर जिले के मुहाना थाना क्षेत्र में विवाहिता को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। पति की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवाहिता के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला के द्वारा आदर्श कॉलोनी के एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बनाई गई। महिला ने सोशल मीडिया पर युवक से दोस्ती की और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। अश्लील वीडियो बनाकर रुपए की मांग की गई। पीड़ित वार्ड पार्षद दीपक बवेजा के साथ अनूपगढ़ थाने पहुंचा और महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।